जुमे का दिन था। अलनूर मस्जिद और लिनवुड मस्जिद में नमाजी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे कि तभी ऑटोमेटिक मशीन गन लिए हुए इस शख्स ने कोहराम मचा दिया। इस नरसंहार में कुल 50 लोग मारे गए थे। क्या महीने भर पहले क्राइस्टचर्च की मस्जिद में हुए शूटआउट का बदला था कोलंबो में हुआ सीरियल धमाका? क्या क्राइस्टचर्च की मस्जिद में 50 लोगों की मौत का बदला लेने के लिए 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या कोलंबो हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ है? रविवार का दिन था, ईस्टर का मौका। ईस्टर की मॉर्निंग प्रेयर के लिए सुबह से ही चर्चों में लोगों का तांता लगा हुआ। कोलंबो के इस चर्च में भी सुबह करीब 1000 लोग इकट्ठा थे, मगर प्रार्थना सभा शुरू होती उसे ठीक पहले एक जबरदस्त धमाका होता है। इसके बाद अगले 2 घंटे के अंदर एक एक कर 8 और धमाके होते हैं। एक धमाका नोगेम्बो के सेंट सेबेस्टियन चर्च और कोलंबो से करीब 250 किलोमीटर दूर बट्टी कलोवा के जियोन चर्च में धमाका होता है। इसके अलावा कोलंबो के 3 आलिशान होटलों में भी एक एक कर धमाका होता है। इन धमाकों में अब तक 321 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी। रविवार को हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद श्रीलंकाई सुरक्षा बलों ने कोलंबो के एक बस अड्डे से करीब 87 डेटोनेटर बरामद किए हैं। माना जा रहा है कि नेशनल तौहीद जमात की योजना अभी और धमाके करने की थी, मगर वक्त रहते सुरक्षा बलों ने स्थिति संभाल ली। श्रीलंकाई सरकार जिस नेशनल तौहीद जमात पर शक जाहिर कर रही है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो श्रीलंका के कट्टरपंथी इस्लामी समूह श्रीलंका तौहीद जमात यानी SLTJ से अलग होकर वजूद में आई है। हालांकि SLTJ भी बहुत चर्चाओं में कभी नहीं रहा, सिवाय 2016 में बौद्ध लोगों के साथ संघर्ष और पिछले साल दिसंबर में मोनेला में बौद्ध मठों पर हुई तोड़फोड़ के मामले के। लिहाजा ISIS के बयान को संजीदगी से लिया जा रहा है। अपने आधिकारिक मुखपत्र अमाक के जरिए ISIS ने इसे क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर हुए हमले का बदला बताया है। हालांकि ISIS ने इन दावों की पुष्टि के लिए कोई भी सबूत नहीं दिए है, सिर्फ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिससे ये साबित करने की कोशिश की गई है कि ईस्टर हमले के पीछे ISIS का ही हाथ है। ये सेंट सेबेस्टियंस चर्च है जहाँ पर करीब 100 लोगों से ज्यादा की मौत हुई। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको खून की बदबू काफी ज्यादा महसूस होगी। इससे ये भी महसूस होता है कि कितनी दुखद घटना थी जब सुसाइड बॉम्बर इस चर्च के अंदर आया और अपने आप को उड़ा दिया।